coming out. Can you hear it? It's like a ball. Wee, tando. Hello everyone, welcome to Nykaa TV. Main hoon Sonia Garg and I'm here today on Nykaa TV for a very fun pass or fail challenge. Now, इस talent series में Nykaa TV team challenge करती है influencers को with a crazy makeup challenge and towards the end of the video हमें देखना है कि हम उस challenge में pass हुए हैं या फिर fail. लेकिन मैं हूँ तैयार, तो देखते हैं कि आज का challenge मेरे लिए क्या है. तो ये रहा हमारा challenge box from the Nykaa team pass or fail challenge. मेरे को काफी heavy लग रहा है. Let's open it. It's a box full of makeup, लेकिन इसमें ये आइस की कटोरी है. Why is it here? इसमें एक सेकेंड, there is a note, I guess. Yes, it's a frozen makeup challenge. Oh my god. Okay, तो basically इसमें मेरे को ये सारे makeup products को freeze करना है and उसके बाद I have to try पूरा फुल फेस ऑफ मेकअप करने का विद दोज फ्रोजन मेकअप प्रोडक्ट्स एंड टूल्स. एंड उसके बाद हमें देखना है कि हम एक लुक क्रिएट कर पाएंगे या नहीं एंड मैं इस चैलेंज में पास हो पाऊंगी या नहीं. वैसे आई लव चैलेंजेस, आई एम ऑन इट, लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट स्टेप, इस सारे मेकअप प्रोडक्ट्स को हमें फ्रीज करना है. ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, बिल्कुल फ्रीज हो गए. स्टार्टिंग विद द फर्स्ट स्टेप, प्राइमर. ठंडा तो हो ही गया ऑब्वियसली क्योंकि हमने इसे फ्रीज किया, लेकिन इतना हार्ड हो गया ये. इट्स नॉट ओपनिंग. फाइनली ये बहुत ही ज्यादा हार्ड आ रहा है. ये वाला प्राइमर जेल फॉर्म में है एज यू कैन सी, बट इट्स टू हार्ड. ये बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं हुआ है, बट रब करते ये मेल्ट हो गया मेरे फिंगर्स में. दैट्स नाइस. टू I really like this feeling क्योंकि अभी summers है ना, तो ऐसे ठंडा ठंडा face पे कुछ लग रहा है. It feels nice on the face. ये निकला थोड़ा hard form में था, लेकिन ये apply बहुत ही easily हो रहा है. I guess we are done. Next step, concealer. इतनी प्यारी bottle लग रही है, बिल्कुल frozen ये. I hope कि अंदर का concealer बिल्कुल ही जमा ना हुआ हो. ये खुल तो बहुत ही आराम से गया. That's really surprising. मेरे को लगा ये जम गया होगा. I think इसको कुछ भी नहीं हुआ. It's too ठंडा. आई रियली लव दिस ठंडा वाला फीलिंग. बट हाँ, ये फ्रोजन नहीं हुआ है, इसे कुछ भी नहीं हुआ है, इट्स लाइक नॉर्मल. ओके, बट लेट्स स्टार्ट डूइंग इट. वाओ, इट्स टू नाइस. इतना अच्छी फीलिंग आ रही है यार मेरे को. कंसील कर लेते हैं हम. ये बहुत आराम से अप्लाई भी हो रहा है, दैट्स नाइस. यहाँ पे भी थोड़ा सा. बस सोनिया रुक जा सोनिया, बस रुक जा सोनिया, बस सोनिया नहीं रुकेगी. हमें इसे ब्लेंड भी तो करना है, तो मैंने इस पूरे ब्यूटी ब्लेंडर को फ्रीजर में रख दिया था. सॉरी. ये सॉफ्ट है, बट इतना सॉफ्ट नहीं है, लाइक इट्स मीडियम हार्ड. ये ज्यादा हार्ड नहीं हुआ, बट कैन यू हियर इट, इट्स लाइक अ बॉल, लाइक सॉफ्ट बॉल बट नॉट टू सॉफ्ट, इफ दैट मेक्स एनी सेंस. ब्लेंड ब्लेंड. वाओ, नाइस इफेक्ट यार. आई गेस इट्स डन. काफी स्मूथ इफेक्ट आया है यार. इट वर्क्ड. फाउंडेशन की तो बिल्कुल ही हालत जम गई है यार. लिटरली बर्फ दिख रही है इस पे. इट्स टू ठंडू. ओके, लेट्स ट्राई. इट्स नॉट कमिंग आउट, नॉट कमिंग आउट. मैं क्या करूँ, ये पूरा फ्रीज हो गया है. ये बाहर आ जा, ये बाहर आ जा. मैं थक गई. लिटरली मेरे को बहुत ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ रहा है इस पे, तब जाके इतना सा निकल रहा है बस ये. वी टंडू. ऐसी नहीं दिख रही थी स्टार्टिंग में, अभी जितना निकला है उसी को ब्लेंड कर लेते हैं. ब्लेंड 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 ब्लेंड. काफी अच्छा आ रहा है लेकिन यार. तो ये रहा मेरा फाइनल लुक. नेक्स्ट हम आईब्रोज फिल करने वाले हैं विद दिस. आई डोंट थिंक इट्स गोना वर्क क्योंकि मेरे को बहुत हार्ड लग रही है ये पेंसिल. एंड हाँ, ठंडा तो मेरे को लग ही रहा है. आई थिंक इट्स एक्चुअली वर्किंग बेटर फ्रीज करने के बाद विद दिस कंटूर एंड हाइलाइटर स्टिक. हाइलाइटर हम बाद में यूज करेंगे, अभी हम कंटूर करने वाले हैं. ये ऐसे टू इन वन ऐसे डुओ स्टिक है. कितना मस्त प्यारा सा शेड है. भाई साहब, इतना अच्छा और ठंडा, इतना मस्त फीलिंग आ रहा है. आई कांट इवन एक्सप्लेन इट टू यू गाइस. लिटिल बिट ऑन द जॉ लाइन, little bit on nose. ये है मेरा कंटूर ब्लेंड करने वाला ब्रश. तो मैं ये सही लग रहा होगा, लेकिन इट्स टू हार्ड. बहुत ज़्यादा मेरे को चुभ रहा है, ये मेरे को मार रहा है. इट्स नॉट हैपनिंग, बल्कि मेरे बेस को ना और गीला कर रहा है. वॉट इज दिस, नॉट गुड, नॉट द राइट टेक्निक टू डू द ब्लेंडिंग. बट अभी मेरे पास जो भी बेस्ट अवेलेबल सॉफ्ट वाली जगह जो मुझे मिल रही है, मैं बस वहीं से कर रही हूँ टेढ़ा मेढ़ा करके.
ये सही सही लग रहा है, लाइक आई एम नॉट दैट हैप्पी विद इट, क्योंकि ऑब्वियसली हमें पता है कि क्या इफेक्ट आता है कंटूरिंग करने का, बट ठीक है आगे बढ़ते हैं। ब्लश, ये बहुत ही प्यारी छोटू सी हमारे पास ब्लश है, लेट्स ट्राई एंड ओपन इट। आराम से ओपन हो गया, लेकिन ये बहुत ज्यादा फ्रीज है बाहर से, पॉइंट आ गया आराम से। डॉट 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 डॉट, ये बहुत ज्यादा महस कर रहा है, इट्स नॉट एट ऑल हैपनिंग, आई एम गोना यूज माई फिंगर्स, आई गेस डन। मैं इतना ही बेस्ट कर पा रही हूँ अभी, बेयर विद मी गाइस, बेयर विद मी। मेरे पास है ये वाली आई शेडो किट फ्रॉम मेकअप रेवोल्यूशन, ये बिल्कुल ही ठंडी हो चुकी है, क्या ये निकल पाएगा कलर? आ गया ये आराम से, वाओ। ओके लेट्स ट्राई इट। ये रहा मेरा आई शेडो ब्रश, एंड ये भी बहुत ज्यादा हार्ड है, ये मुड़ भी नहीं रहा है, बट वी हैव टू डू व्हाट वी हैव टू डू। आई एम गोना टेक दिस न्यूट्रल ब्राउन कलर, ये ब्लेंड नहीं करेगा बट हम अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा सा डार्कर ब्राउन शेड लेते हैं, थोड़ा सा ऐसे 3D इफेक्ट लेकर आते हैं, लगे तो कि ये बहुत ज्यादा आ गया, ये पानी बहुत ज्यादा छोड़ रहा है। आई नो इसने ब्लेंड अच्छे से नहीं किया, लेकिन लाइक दूर से तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, लाइक दूर से ना पता नहीं चल पा रहा है कि मेरी आंखों में मैंने अच्छे से ब्लेंड किया है या नहीं, बट अगर कोई मुझे पास से देखेगा ना, ये ब्लंडर हुआ है। मैं मस्कारा यूज करने वाली हूँ अब, दिस वन फ्रॉम शुगर। ओके खुल गया फाइनली, यस। इज इट कमिंग आउट? नो, वो पूरा सूख गया है। वी हैव टू डू इट, वी हैव टू पास द चैलेंज। चलो वी डन विद आवर आईज, जो कि मुझे नहीं पता कि हुई है या नहीं। आई एम यूजिंग दिस लिप पैलेट फ्रॉम नायका, एज यू कैन सी ये पूरी फ्रीज हो गई है, खुल गई है आराम से। लुक एट द प्रिटी शेड्स, कौन सा शेड यूज करें? क्या ये प्रोडक्ट आएगा? कुछ भी नहीं आया। लेट्स ट्राई अगेन, क्या ये प्रोडक्ट आएगा? हाँ अब थोड़ा सा आया ये, आजा भाई। थैंक गॉड ब्रश नहीं जमा, क्योंकि इस पॉइंट पर आई डोंट नो मैं क्या ही करती। आई गेस लिप्स आज के पूरे मेकअप लुक में से मेरा फेवरेट पार्ट हुआ है, कितने परफेक्ट लग रहा है। आई लव दिस शेड, बहुत ही ऐसे न्यूट्रल लुकिंग है, अमेजिंग। जो हमने 2-in-1 डुओ स्टिक यूज करी थी फॉर कंटूर, उसी में हमारा हाइलाइटर भी है, तो अब हम वो यूज करने वाले हैं। वाओ कितना अच्छा आ रहा है ये थोड़ा सा नोज पे, वाओ अच्छा ग्लो इफेक्ट आ रहा है ऑलरेडी, अभी मैंने ब्लेंड भी नहीं किया है, काफी अच्छे से ब्लेंड हो रहा है। बन गए हम ग्लोई बेबी, आओ इसको फिनिश करते हैं यूजिंग दिस लैक्मे सेटिंग स्प्रे। एंड वैसे तो ये लिक्विड है, आई डोंट थिंक सो कि ये स्प्रे करने वाला है, क्योंकि ये जम गया है, पूरा जमा हुआ है ये अंदर से, बहुत टाइम लगने वाला है इसको, मेरे को पूरे दिन रखना पड़ेगा तब जाके थोड़ा पिघलेगा। सो गाइस दिस इज माय फाइनल लुक, हमने चाहे जितनी भी मेहनत करी हो, बट पर्सनली मेरे को बहुत ही मजा आया ये पास और फेल चैलेंज करने में, विच नायका टीवी गेव मी। पर्सनली मेरे को लगता है कि मैंने ये वाला चैलेंज पास किया, क्योंकि मेकअप हैज टर्न आउट प्रिटी गुड, लेकिन ऑब्वियसली तुम मुझे बताओ इन द कमेंट्स डाउन बिलो कि मैंने ये चैलेंज पास किया है या फिर फेल किया है। और मुझे ये भी बताओ इफ यू वांट टू सी मोर ऑफ दीज पास और फेल चैलेंजेस ऑन नायका टीवी इन द कमेंट्स डाउन बिलो, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक and share this video and also subscribe to Nykaa TV for lots more, and I'll see you soon. Bye! Download the Nykaa app to shop for all the products in this video and lots more.